सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, हमेशा की तरीके आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ही कमाल की न्यूज़ है, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बिग बॉस 15 OTT इस टाइम स्टार्ट हो चुका है, और ऐसे में यहाँ पर सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पर साफ देखा जा सकता था कि सलमान खान इन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस सीज़न में। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी न्यूज़, लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बिग बॉस 13 अब तक का बिग बॉस का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो रहा है, और उस सीज़न में आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से वो सीज़न बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। वैसे में यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स ने बिग बॉस 15 को भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उतना ही ज़्यादा फेमस बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने इस गेम में भी दो ऐसे लोगों को डाला है जो इस गेम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। जहाँ पहले हैं प्रतीक सहजपाल, तो वहीं दूसरे थे जीशान खान। अब बात आती है कि आखिर सलमान खान इस टाइम है कहाँ और उन्होंने क्या कहा है प्रतीक सहजपाल को लेकर। तो गाइस, शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी ना हो कि सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और पूरा क्रू टर्की गया है फिल्म की शूटिंग के लिए, और वहाँ पर सलमान खान इन सभी चीज़ों को निपटाकर सितंबर के एंड तक आने वाले हैं वापस, क्योंकि उन्हें बिग बॉस को होस्ट करना है। अब ऐसे में यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी बताई जा रही हैं कुछ मीडियाज़ में कि सलमान खान इस बार प्रतीक सहजपाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो शो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो प्रतीक सहजपाल हैं इनकी एक्टिंग और साथ ही इनका गेम खेलने का तरीका, गेम प्लान, सब कुछ लगभग बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला के जैसा है। तो इनका अपोनेंट कौन होने वाला है और क्या जो इनका अपोनेंट होने वाला है वो सच में आसिम रियाज से ज़्यादा बेहतर खेलने वाला है या आसिम रियाज जितना बेहतर खेलने वाला है, फिलहाल अभी इन सब चीज़ों के बारे में कोई पूरी तरह से साफ चीज़ें नहीं आई हैं सामने। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे चाहिए कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।